दोस्तों, आप जब भी गोवा आने का प्लान करते हो तो आपके मन में यही आता है कि आपको मडगांव आना चाहिए या फिर आना चाहिए थिवीम रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको थिवीम रेलवे स्टेशन का व्लॉग देता हूँ, उससे आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस रेलवे स्टेशन पर उतरने में फायदा है। तो अभी मैं हूँ इस समय थिवीम रेलवे स्टेशन पर। ये थिवीम रेलवे स्टेशन का बाहर का एरिया है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह बनी हुई है जो कि बेसिकली इन टैक्सीज के लिए है, और आपको इसी के बाहर में ये प्रीपेड टैक्सी काउंटर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको अलग अलग प्राइस पर अलग अलग जगह पहुंचा सकता है। खैर, अभी यहाँ पर देख सकते हो ये है थिवीम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। तो अंदर चलते हैं, आपको एक बार थिवीम रेलवे स्टेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो थिवीम के बाहर ही आपको सारस्वत बैंक का एटीएम देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ऑफ कैश। थोड़ा सा आपको यहाँ पर या तो सीढ़ी ले सकते हो आप, तो हम सीढ़ी लेंगे यहाँ पे, और आपके साथ अगर बैग है तो आप इस इनक्लाइन से भी जा सकते हो या फिर कहीं रैंप से जा सकते हो। तो जैसे ही आप अंदर आओगे ना सीढ़ी चढ़कर, तो सबसे पहले आपको ये वेटिंग रूम मिलेगा, यहाँ पर आप वेट कर सकते हो। चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा, चार्जिंग भी कर सकते हो। और इधर आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन सी ट्रेन किस किस टाइम पर है और कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी पर चलती है। तो थिवीम रेलवे स्टेशन मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेन है और मंगलुरु की ओर जाने वाली। बेसिकली जो मुंबई की ओर जाती है उनमें ही कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो जाती हैं आगे दिल्ली तक, बट जो मंगलुरु वाली ट्रेन है वो आगे जाती है मंगलुरु की तरफ। फिर उसके बाद में आप अंदर पहुंचोगे तो इस तरीके से आपको इसका एंट्रेंस देखने को मिल जाएगा। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म 1 का व्यू देखने को मिलेगा। टाइम वगैरह आप देख सकते हो, पंखे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, रियल गर्मी में क्या हाल होता होगा पता नहीं। करिया इधर देख सकते हो, और ये है प्लेटफॉर्म 1 का व्यू। बढ़िया बात यह कि सामने से बिल्कुल एकदम कर्व है, तो कभी भी आप यहाँ पर ट्रेन कैप्चर करोगे ना तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपके पास एक अच्छा लेंस है ना तो बहुत अच्छा शॉट आप यहाँ से ले सकते हो। तो यह है प्लेटफॉर्म 1 का व्यू, आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो गाइस, बात करते हैं आप इस स्टेशन के बारे में। तो ये जो रेलवे स्टेशन है थिवीम, यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और इसको ऑपरेट करता है कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे में आता है। और अगर आप कभी भी कोंकण रेलवे को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो थिवीम रेलवे स्टेशन या फिर मडगांव है या फिर और भी जो स्टेशन है नॉर्थ इनमें कभी भी आते हो तो मानसून में आ सकते हो, क्योंकि भाई मानसून के समय पे ऐसी ट्रेन जर्नी, इतनी सारी टनल्स और पहाड़, मजा ही आ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा सीनिक सीन होते हैं, आप उनको कवर कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं आपको चलता हूँ प्लेटफॉर्म 2 पर, लेकर प्लेटफॉर्म 2 का भी व्यू दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पर एक ही एफओबी है, देखा जाए तो काफी ज्यादा पैसेंजर्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और लेकिन सिर्फ एक ही एफओबी है, तो एफओबी होने चाहिए थे देखते हुए, मतलब काफी ज्यादा पैसेंजर है उसको देखते हुए। तो फिलहाल अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म 2 पर, आपको लेके चलते हैं। तो आप जब आओगे ना तो यहाँ पर आपको एफओबी देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का एफओबी आपको देखने को मिलेगा भाई। और गर्मी ने भाई यहाँ पर हाल कर रखा है बेहाल। अच्छी बात यह कि यहाँ पर भाई जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ना वो पूरा हो चुका है। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का नामो निशान नहीं था, तो ट्रेन्स को पनवेल पर अपना जो लोको था वो चेंज करना होता था, पनवेल या फिर वडोदरा, बेसिकली वडोदरा पे ज्यादातर चेंजेस होते थे। तो मैं आपको एक बार एफओबी और घुमा देता हूँ किस तरीके का यहाँ पर एफओबी है। जब आप ऊपर आ जाओगे ना तो इस तरीके का व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको देखोगे इधर राइट में टर्न हो रहा है, और इधर भी इधर को फेस करके देखोगे तो राइट में टर्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी नॉर्थ गोवा जाते हैं ना वो सब यहीं पर ही उतरते हैं। तो गाइस, ये है प्लेटफॉर्म 2 का व्यू, बिल्कुल एकदम शांत, और प्लेटफॉर्म 1 भरा हुआ है क्योंकि ट्रेन आने वाली है इस वजह से। तो ये है थिवीम का प्लेटफॉर्म 2। यहाँ पर आपको पानी वगैरह की सुविधा मिल जाएगी, टी स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, और उधर काफ़ी मिल जाएंगे आपको। देखो 1, 2, 3 तो मेरे सामने है, तो 3 यहाँ पर आराम से हैं और 1 यहाँ पर है, तो प्लेटफॉर्म 2 पर भी कोई कमी नहीं होने वाली है। सो गाइस, करंटली अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अभी 42 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है, कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। और रीजन मैंने आपको बताई दिया, पास में ही मडगांव रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग अप्रॉक्स में 20-25 किलोमीटर होने वाला है। बात कर लेते हैं आपको कौन सा स्टेशन प्रीफर करना चाहिए अगर आप दिल्ली साइड से या मुंबई साइड से आ रहे हैं। तो अगर आपका प्लान है नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने का तो थिवीम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि बागा बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आप जानते हो, वो यहाँ से आपको लगभग 23-25 किलोमीटर पड़ने वाला मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। बल्कि अगर आप मडगांव अगर चले जाते हो फिर वहाँ से यहाँ पर आते हो तो आपको अप्रॉक्स में 60 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी आप समझ सकते हो यार कम से कम आपके 2 घंटे तो जाने वाले हैं। तो इसलिए समझदारी इसमें ही है कि अगर आप नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो थिवीम आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और अगर आप साउथ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मडगांव आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो गाइज, मैंने आपको थिवीम रेलवे स्टेशन पूरा दिखा दिया है। थिवीम को यहाँ पर थिवी के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर आप थिवी भी बोलोगे ना तो समझ जाएंगे, यानी कि अगर आप जैसे कोई भी टैक्सी वगैरह लेते हो, अब सन मेरे पीछे तो हो सकता है बिल्कुल ब्लैक आ रहा हो तो मैं थोड़ा आपको ऐसे बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर टैक्सी वगैरह लेते हो ना तो आपको थिवी बोलोगे ना, यानी कि वो आपको थिवी बोले तो आप समझ जाना कि भाई यही वो आने वाले हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस, यहाँ से करते हैं एग्जिट।
तो फाइनली एग्जिट कर दिया है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आप चाहो तो मडगांव भी जा सकते हो, बट मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद में आपको काफी ज्यादा हेल्प हो गई होगी और समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सप्लोर करना है तो कौन से नहीं आपको बेस्ट रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ही खत्म करते हैं। थिवीम रेलवे स्टेशन आपको कैसा लगा? हालांकि है तो बहुत छोटा, सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है, और बात करें इसके इनॉग्रेशन की तो 1997 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, आज से 25 साल पहले। कोंकण रेलवे में ये आता है और कारवार डिवीजन है, तो कारवार डिवीजन इसको ऑपरेट करती है। तो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बट मानसून में शायद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो है, ये ब्लॉग है, पसंद आया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन पर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।